इंदौर में 31 जनवरी को होने वाले एबीवीपी के 53वें प्रांतीय अधिवेशन की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई। अधिवेशन का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहीद देवेंद्र चंद्रवंशी के नाम से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 53वें प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन की जानकारी देने के लिए प्रेस क्लब में प्रांतीय मंत्री नीलेश सोलंकी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सोलंकी द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव करेंगे। इस दौरान एबीवीपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल कांत व राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर भी मौजूद रहेंगे। आयोजन में 35 जिलों से करीबन 800 से अधिक छात्र छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत सहित विश्वविद्यालयों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने के बाद प्रस्तावों को भी पारित किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 53वां प्रांत अधिवेशन इंदौर 31 जनवरी को संपन्न होने वाला है। उसी के निमित्त उस एक दिवसीय दिन भर की दिनचर्या के विषय में हम आज प्रेस वार्ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रांत अधिवेशन में हम तीन प्रस्ताव लाने वाले हैं। एक तो प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और शैक्षिक परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत एवं विश्वविद्यालय, ऐसे तीन प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में आने वाले हैं। इस अधिवेशन में उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। उस उद्घाटन सत्र में माननीय अपने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी भी उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में प्रफुल्ल जी आकांत राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एवं गजेंद्र जी तोमर राष्ट्रीय मंत्री जी भी उनकी विशेष उपस्थिति रहेगी। अधिवेशन में हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। प्रदर्शनी में हम अलग अलग वर्ष भर जो कार्यक्रम किए हैं, जो गतिविधियां संचालित की हैं, उस गतिविधियों की एक प्रदर्शनी बनेगी। उसका उद्घाटन भी 30 जनवरी शाम 6 बजे उस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।